नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 25 नवंबर को राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान हुई। चुनावों में कांग्रेस का मुख्य मुद्दा गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं रहा। इन योजनाओं के बलबूते पर ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। ऐसे में गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने वाले मंत्रियों की उनकी विधानसभा में क्या स्थिति है, वहां की जनता ने इन मंत्रियों को कितना सपोर्ट किया है, क्या ये मंत्री जीत रहे हैं, यही सब बताने के लिए ENN भारत की टीम आपके सामने लेकर आई है एक खास आकलन। याद रहे कि ये चुनावों का परिणाम नहीं है, सिर्फ हमारे सर्वेक्षण का आकलन है, जिसमें हम आपको गहलोत सरकार के मंत्रियों की स्थिति बताएंगे। गहलोत सरकार के मंत्रियों के अलावा हमने राजस्थान के दिग्गज नेताओं का विश्लेषण भी किया है, जिसके अनुसार इस बार भाजपा के विधानसभा की बागडोर दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे युवा चेहरों के हाथों में आती दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जैसे कद्दावर नेता अपनी अपनी विधानसभा में थोड़ा उलझ गए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो शायद इस बार कांग्रेस की विधानसभा की कार्यवाही में शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज नेता अशोक गहलोत के साथ नहीं देखे जाएंगे। ऐसे में अशोक गहलोत को विधानसभा कार्यवाही चलाने के लिए सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे युवा अनुभवी नेताओं के साथ बहुत से नए चेहरों का सहयोग लेना पड़ सकता है। अब राजस्थान में कौन सी सरकार आएगी वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन चुनावों के बाद गहलोत सरकार के मंत्रियों की अभी क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं अशोक गहलोत की, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सरदारपुरा विधानसभा से इनके सामने बीजेपी से महेंद्र सिंह राठौड़ ने चुनाव लड़ा है। सरदारपुरा विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने की संभावना है। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री और बीकानेर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बीडी कल्ला की वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीडी कल्ला काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी जेठानंद व्यास यहाँ पर जीत सकते हैं। UDH मंत्री शांति धारीवाल के विधानसभा कोटा नॉर्थ की वर्तमान स्थिति को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी यहां पर कड़ी टक्कर में है। शांति धारीवाल की स्थिति दयनीय है। ऐसे में दावे से नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल यहां पर चुनाव हार रहे हैं। गुढ़ा मलानी विधानसभा सीट पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस बार बढ़ती उम्र की वजह से चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में कांग्रेस ने इस सीट पर कर्नल सोनाराम को टिकट दिया, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। इस सीट पर सोनाराम काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अंता विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान गहलोत सरकार में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है। हवा महल विधानसभा इस सीट पर महेश जोशी विधायक है, जो की गहलोत सरकार में जलदाय विभाग मंत्री भी है, लेकिन 2023 के चुनावों में कांग्रेस ने हवा महल से महेश जोशी का टिकट काटकर RR तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी ने बाल मुकुंद आचार्य को चुनाव लड़वाया है, तो ऐसे में इस सीट पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण देखने को मिला है, लेकिन हवा महल विधानसभा में RR तिवारी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। मांडल विधानसभा यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट बहुत ही कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। झोटवाड़ा विधानसभा इस सीट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में कांग्रेस ने युवा चेहरे अभिषेक चौधरी पर दाव चला, लेकिन हमारे आकलन की माने तो अभिषेक चौधरी इस विधानसभा में बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से मजबूत स्थिति में है। बैर विधानसभा गहलोत सरकार में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव की स्थिति काफी मजबूत है, उन्हें अंत समय में अच्छे वोट मिले हैं। निम्बाहेड़ा विधानसभा सहकारिता मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना बीजेपी के साथ कठिन लड़ाई में फंसे हुए हैं, उनकी जीत की कोई गारंटी नहीं है। पोकरण विधानसभा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री साले मोहम्मद इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है। इनके सामने बीजेपी ने महंत प्रतापपुरी को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट है। साले मोहम्मद की जीत में फिलहाल संशय बना हुआ है। मानसूर विधानसभा यहाँ पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कांग्रेस प्रत्याशी है और वर्तमान समय में इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। सिविल लाइंस विधानसभा गहलोत सरकार में फूड एवं सिविल सप्लाई मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खांचरियावास की स्थिति ठीक नजर आ रही है। बागीदौरा विधानसभा यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं, उनकी स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। सपोटरा विधानसभा
सीट पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद मीणा कांग्रेस प्रत्याशी हैं और चुनावों में इनकी स्थिति की बात करें तो ये उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जितनी अच्छी समझी जाती है। डी कुम्हेर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की स्थिति 2023 के चुनावों में काफी कमजोर बताई जा रही है। सिकराय विधानसभा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश हैं जो कि वर्तमान गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और सिकराय विधानसभा में ममता भूपेश के जीतने की स्थिति नगण्य है। बीजेपी से इनके सामने विक्रम वंशीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। खाजूवाला विधानसभा यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से सीट पर डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने चुनाव लड़ा है। लालसोट विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा फिलहाल अपनी विधानसभा में काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से इनके सामने रामविलास मीणा ने चुनाव लड़ा है। बांसवाड़ा विधानसभा जनजाति विकास मंत्री अर्जुन राम बामनिया ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। 2023 के चुनावों में इनकी स्थिति काफी डामाडोल दिखाई दे रही है। ये चुनाव हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हिंडौली विधानसभा खेल एवं युवा मामलों की मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांदना अपने विधानसभा में काफी पीछे बताए जा रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी से प्रभुलाल सैनी ने चुनाव लड़ा है। कोलायत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी हैं जो कि वर्तमान गहलोत सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। इनके सामने बीजेपी से अंशुमन सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा है। कोलायत में भंवर सिंह भाटी की स्थिति ठीक ठाक बताई जा रही है। कोटपुतली विधानसभा हमारे आकलन में कांग्रेस प्रत्याशी और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव अपनी विधानसभा में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। भाजपा से हंसराज पटेल गुज्जर ने कोटपुतली से चुनाव लड़ा है। भरतपुर विधानसभा कांग्रेस से गठबंधन में आरएलडी नेता सुभाष गर्ग ने चुनाव लड़ा है जो कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं। सुभाष गर्ग बसपा के साथ लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं। इनकी स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। सांचौर विधानसभा कांग्रेस सरकार में श्रम मंत्री सुखाराम विश्नोई इस सीट पर ठीक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वो इस सीट पर जीत भी सकते हैं। भाजपा से सीट पर सांसद देवजी पटेल ने चुनाव लड़ा है। झुंझुनू विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला जो कि वर्तमान समय में परिवहन मंत्री हैं, वो अच्छे मतों से आगे चल रहे हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किए जाने के बाद कांग्रेस ने भगवान राम सैनी को सीट पर चुनाव लड़वाया है। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ा है। इस सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। दौसा विधानसभा कृषि एवं विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा है और ये अपनी विधानसभा में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से सीट पर शंकर लाल शर्मा ने चुनाव लड़ा है। कामा विधानसभा यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने जाहिदा खान को चुनावी मैदान में उतारा है जो कि वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं। टिकट वितरण से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनका काफी विरोध किया था लेकिन टिकट की घोषणा के बाद से विरोध काफी कम हो गया था। और फिलहाल की बात करें तो जाहिदा खान अपने विधानसभा में काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। ये था राजस्थान के मंत्रियों की विधानसभा सीटों का आकलन और इस आकलन के अनुसार गहलोत सरकार में कम से कम 10 मंत्रियों की उनके विधानसभा में काफी कमजोर स्थिति है। वहीं लगभग 7 विधानसभाओं में मंत्री फाइट की स्थिति में है। इसके अलावा 13 मंत्री मजबूत स्थिति में भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी टीम ने गहलोत सरकार के मंत्रियों के अलावा राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की सीटों का विश्लेषण भी किया है जिसके अनुसार तारानगर से राजेंद्र राठौड़, आमेर विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता सतीश पूनिया अपनी अपनी विधानसभा में काफी दयनीय हालत में दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी काफी कमजोर स्थिति में दिख रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता राजकुमार शर्मा जो कि नवलगढ़ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो भी काफी दयनीय स्थिति में नजर आ रहे हैं। विद्याधर नगर से बीजेपी का टिकट काटकर बीजेपी ने भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ में चुनाव लड़ने के लिए भेजा लेकिन वहां भी बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है।
कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव बल्लभ जो कि उदयपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी नेता धीरज गुर्जर जो कि जहाजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि जब प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस दोनों में से किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी तो इनमें से कितने दिग्गज नेता विधानसभा की कार्यवाही में अनुपस्थित रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी राजनीतिक विश्लेषण वाली खबरें देखने के लिए जुड़े रहे सिर्फ ENN भारत के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।